तो भैया आज की शॉपिंग में हमने इतना इतना शर्ट उठा लिया। लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना टाइम। एक बार एक वक्त चला जाए ना तो वो वापस नहीं आता, इसलिए जरूरी होता है कि आप टाइम को बर्बाद ना करें। इसलिए आप लोगों को मैं ये बात बोल रहा हूँ कि भाई हीरोपंथी 2 मत देखना। मतलब अगर कोई दोस्त तुमको फ्री में भी दिखा रहा है ना तो भी मत देखना हीरोपंथी 2 भाई। इतना बकवास मूवी है ना, इतना बकवास मूवी है ना कि क्या बताए कितना बकवास मूवी है। मतलब एक सीन में बताता हूँ, ठीक है। टाइगर श्रॉफ को पिछवाड़े में गोली लगती है, उसके बाद वो जाता है सर्जरी करवाने के लिए, गोली निकलता है उसके पिछवाड़े से और एक मिनट के बाद वो बंदा जाके डांस कर रहा है भाई, नाच रहा है लिटरली। जस्ट सोच के देखो यार वो सीन कितना फनी लगता होगा और वो हम देखे अपने आंखों से। मन तो कर रहा हूँ कि इन्हीं दो उंगलियों से मैं अपनी आंखें फोड़ लूं। और एक सीन था, टाइगर श्रॉफ को गुंडे लोग ना फरारी और लंबोर्गिनी से दौड़ा रहे हैं और बंदा फरारी और लंबोर्गिनी को चकमा देके भाग रहा है। जिंदगी में ना लोग गलती से सीखते हैं, लेकिन जो होशियार लोग होते हैं ना वो दूसरों की गलती से सीखते हैं। तो मेरी गलती से आप लोगों को ये सीख मिल जाती है कि हीरोपंथी 2 गलती से भी मत देखना। मैंने देखा, एक्चुअली हुआ क्या ना, कल मैं बहुत गंदा बोर हो रहा था, कुछ था नहीं करने को, तो मैंने बोला चलो यार कुछ देख लेता हूँ। तो देखा भाई हीरोपंथी 2 आया हुआ था, तो पता नहीं क्या शौक मेरे को बेचारा डाउनलोड कर लिया। एंड उसके बाद जो मैं देखा ना भाई, ओ भाई साहब, छोटी बच्ची हो क्या? रांची का मौसम 2 दिन से अभी बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है। बारिश हुई थी कल भी और परसों भी, और आज भी मौसम को देख करके लग रहा है कि बारिश होने की पूरी पूरी संभावना है। तो अगर बारिश होती है ना भाई तो अपन बारिश में मोटो व्लॉग करेंगे, आय हाय हाय फुल मजे। सो फाइनली गाइस, क्लास अभी ओवर हो चुका है एंड अभी थोड़ा देर बैठेंगे, उसके बाद फिर शॉपिंग करना है मेरे को, तो शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। एक्चुअली आज ना थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, एनर्जी एकदम डाउन है, तो ब्लॉग में भी दिख रहा होगा एनर्जी थोड़ा सा डाउन है। बाय बाय इतना जल्दी। और आज अपने ग्रुप में ज़्यादा लोग आए नहीं है तो हम हैं अकेले, तो थोड़ा देर चलते हैं नीचे बैठते हैं एंड उसके बाद फिर शॉपिंग करना। तो भैया आज की शॉपिंग में हमने इतना इतना शर्ट उठा लिया, अभी ट्राई करके देखते हैं जिसका फिटिंग सही होगा सबको घर ले जाना है। तुझे पता ना चले तेरे हर पल में गुजरा हूँ। ये अपना ही है, ठीक है। तो अभी ये सारा हमने फाइनल कर लिया, चलते बिलिंग करवाते हैं। अब से तो टूटे हम नींद से, ये कैसा तेरा। ओके गाइस, सो शॉपिंग हैज़ बिन डन। ए भाई बड़ा टाइट जगह में बाइक लगा दिए, ओहो हो। देखो हम ना हमेशा ज़्यादा महंगा कपड़ा नहीं खरीदते, हम सस्ता कपड़ा खरीदते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, ठीक है। ज्यादा क्वांटिटी में कपड़ा रहता है ना, देखने वाले को भी लगता है कि हाँ इसके पास ढेर सारा कपड़ा है। अरे अगला महीना मेरा YouTube का पेमेंट आने दो, उसके बाद तनिष्क जाना है ना तुमको, चलो ले चलेंगे। यो विमल, थारा भाई विमल जिंदा है अभी, टेंशन नहीं लेने का। देखो मेन रोड में जब कार नहीं चलता है ना कितना खाली रहता है। यहाँ इतना भीड़ क्यों है भाई, व्हाई दिस कॉल इज वेरी डिमांड। ओहो ईद का बाजार लगा हुआ है। सो गाइस इधर देख सकते हो पूरा मेन रोड बंद है बिकॉज ईद का बाजार लगा हुआ है और कल ईद है। सो ईद मुबारक टू एवरीवन। भैया बहुत टाइम हो गया था हम अपने डॉक्टर साहब से मिले नहीं थे, एक्चुअली काफी ज्यादा वो बिजी रहते हैं, तो अभी हम उधर से ही गुजर रहे थे, मतलब उनके घर के तरफ से ही गुजर रहे थे, तो सोचे कि उनसे भेंट मुलाकात करते हुए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब आज फ्री थे, तो इधर है डॉक्टर रजत। हेलो गाइस, तो हर चीज़ का इलाज करते हैं डॉक्टर रजत, तो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आके मिल लेना, नंबर इनका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और एड्रेस, खैर छोड़ो एड्रेस अभी रिवील नहीं करते, पर्सनली बात करना फिर आके मिल लेना। एम हसन के बाद अगर उनका कोई कारोबार संभाल रहा है तो वो यही है। कैसा चल रहा है भाई सब? ठीक ठाक, बढ़िया ना। सिर्फ पुरुष लोग का देखता है कि स्त्री लोग का भी? पुरुष का तो देखते ही नहीं। आईफोन में स्मार्ट लग रहा है तुम, एंड्रॉइड में मत आना डर जाएगा सब। तुम भी? अरे अपन तो पहले एंड्रॉइड में आते थे, उससे पहले चाइना फ़ोन में आते थे, लेकिन अपन स्मार्ट ही है। G5 उसका रिंगटोन नहीं फोन, उसका भी रिंगटोन हमको याद था। MI भी तो चाइना ही फोन। तेरे पास जो है कौन सा है? मैं कौन सा है? चाइना फोन साला। क्या नाम है चाइना का प्रेसिडेंट को? जिनपिंग कुछ होगा, जिनपिंग का चेला। हाँ जिनपिंग, जिनपिंग चपाक झपाक। भाई लॉकडाउन ने सब पे असर किया, लेकिन अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया, ठीक है। और अभी जरा देखो पेट ब्लॉग में नहीं डाले।
तो हम कैमरा ऑन करके क्यों बैठे हैं, व्लॉग में नहीं डालेंगे तुम? गजब बात करता है हम। सिक्स पैक्स एब्स, सुन भाई सुन भाई, एक बहुत जरूरी चीज बता रहे, हीरोपंती 2 मत देखना, छोटी बच्ची हो गया शादी हो दी कुछ करता है क्या? नहीं रे अभी, अरे ये देख ये कैसा लग रहा है। मैं देखो एक्सेसरीज, घड़ी उतना शौक नहीं है उनको, लेकिन अच्छा दिख रहा है। मेरे को बाइक एंड गाड़ी के बाद, बाइक एंड कार के बाद अगर मेरे को कोई चीज़ का शौक है ना, तो वो है घड़ी और दूसरा है शूज। घड़ी बहुत सही लगा ये वाला। अच्छा, बहुत लोग क्वेश्चन किया था, हमको बोला था विमल से एक चीज पूछो, तड़कता भड़कता कलर का कपड़ा सब क्यों पहना? ज़्यादातर तो मेरा ब्लैक रहता है यार, कहाँ तड़कता भड़कता रहता है। मेरा इंस्टाग्राम खोल के दिखा दो कौन सा हम तड़कता भड़कता पहने। देखो ज़्यादा मेरा कपड़ा रहेगा ब्लैक, देखो तुमको यहीं दिख जाएगा, देखो ब्लैक 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 ब्लैक, हाफ ब्लैक, फुल ब्लैक, फुल ब्लैक, अब ये रेड उतना नॉर्मल है, फिर हाफ ब्लैक फुल ब्लैक, ब्लैक शर्ट, हाफ ब्लैक, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक टी शर्ट, ये वाला डाले थे स्पेशली बिकॉज हम पतले लग रहे थे इसमें फिर देख इधर ब्लैक टी शर्ट, फिर यहाँ पर देख ब्लैक सब अलग अलग, एक नहीं है, सबको लगता था एक ही ब्लैक टी शर्ट हम सब जगह घसीटते, लेकिन सब अलग अलग था। फिर ऊपर देख यहाँ पर, तो पूछा था यहाँ पर देख, फिर ब्लैक, ब्लैक नहीं है ब्लू है। अब बताओ कहाँ तुमको तड़कता भड़कता दिख गया भाई? जो भी पूछा था उसको जाके बताना, अच्छे से रिसर्च करके आए फिर बोले। अब मेरा ही ब्लॉग देख के बोला था ना चलो ठीक है ब्रो, फिर मिलते हैं और भेंट करो कभी यार, मिलेंगे। चलो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है एकदम, और इलाज उलाज अच्छे से करते रहो, समझे ना इलाज उलाज अच्छे से करते रहो चल ठीक है फिर मिलते हैं। चलो, अरे एक काम तो हम भूल ही गए, मम्मी के लिए 2 दवाई लेना था। दवाई दुकान तो पीछे था भाई, आगे कहीं दवा दुकान मिलता है तो ले लेंगे। ये रहा, है ना, हाँ दवा दुकान तो है, बस मिल जाए यहाँ पर वो दवा। भैया ये होगा, एक पता दे दीजिए। नहीं नहीं वही चाहिए, फैमटैक 40। तो यार 2 दवा लेना था जिसमें से 1 दवा मिला और 1 दवा नहीं मिला है। कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम रांची से ले लेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे। वैसे नथिंग सो सीरियस, नॉर्मल दवाई है, एक टाइम के बाद इंसान को थोड़ा बहुत दवाई खाना ही पड़ता है, तो बस वैसी वाला है। ये वही जगह है जहाँ पे बरसात में तालाब बन जाता है भाई, रिलायंस फ्रेश के सामने। आज अगर धूप रहता ना भाई तो सीरियसली मैं इतना ज़्यादा बिल्कुल नहीं घूम पाता, तबीयत भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मौसम सही रहने की वजह से हम इतना घूम लिए एंड अभी तबीयत भी थोड़ा ठीक लग रहा है। घर जाके रेस्ट कर लेंगे, कल तो वैसे भी छुट्टी है, मे भी हो सकता है परसों भी छुट्टी रहे हमारा, अगर 2 दिन छुट्टी रहेगा तो सही है भाई, 2 दिन का आराम। मेरे है तू हर दम उजले सवेरे।